इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जिन ने कहा ना मैं इसका कुछ बिगाड़ूंगा ये तो मेरी माशूक है मुझे तंग करोगे तो मैं इसे यहां से उठा कर ले जाऊंगा और इस सारे घर को तबाह कर दूंगा तुम जिधर से आए हो उधर ही चले जाओ मैं अपनी मर्जी से इसे छोड़ूंगा मैं वो सारे मुकालमे आपको बताने की जरूरत महसूस नहीं करता जो जिन और जामी शाह के दरमियान हुए थे ऐसी बातें आपने अक्सर सुनी होंगी जन्नात निकालने वाले जामी शाह जैसे आदमी जन्नात पर बड़ा रोब झाड़ा करते हैं और उन्हें इस किस्म की धमकियां दिया करते हैं कि मैं तुम्हें जला कर राख कर दूंगा। ये रोब दरअसल किसी जिन पर नहीं बल्कि उन लोगों पर झाड़ा जाता है जो वहाँ मौजूद होते हैं इस किस्म के शाह जी और आमिल उन लोगों को तासुर दे रहे होते हैं कि देखो उसका रोब और दबदबा जिनों और भूतों पर भी चलता है शकूर ने सुनाया कि जामी शाह ने चार दिनों से लड़की के घर में ही डेरे डाले हुए हैं और वो कहता है कि उस जिन को निकाल कर ही इस घर से निकलेगा मैंने और मेरे दो और दोस्तों ने जो वहाँ बैठे शकूर की बातें सुन रहे थे ये खास तौर पर देखा कि शकूर को बहुत ही परेशान होना चाहिए था क्योंकि वो तो उस लड़की पर अपनी जान भी कुर्बान कर देने की बातें किया करता था मैंने ये नोट किया, किया कि शकूर जब यह बात सुना रहा था तो एक दो मरतबा वो हंसा भी था और मुस्कुराहट तो तमाम वक्त उसके मुंह पर मौजूद रही थी मैंने उससे कुछ बातें पूछी और कुछ बातें मेरे दोस्तों ने पूछी हमारे लिए और किसी के लिए भी ये खबर कोई अजीब और नई नहीं, नहीं थी कि एक लड़की पर जिन आता है ये तो एक आम बात थी तकरीबन हर गांव में एक दो आदमियों या औरतों पर जिन काबिज होता है और जामी शाह नहीं तो कोई और शाह जिन को निकालने के लिए आ जाता है हर शाह एक ही जैसी बातें करता है और हर जिन वैसे ही जवाब देता है जो हम बचपन से सुनते आए हैं और अब तक सुन रहे हैं मुझे कुछ शक होने लगा मैं इतने दोस्तों की मौजूदगी में शकूर से कोई ऐसी बात नहीं पूछना चाहता था मैं इस इंतज़ार में था कि बाकी दोस्त चले जाएं और सिर्फ शहबाज ख़ान मेरे पास रहे आखिर दोस्त उठे और चले गए और शहबाज खान वहाँ मौजूद रहा वो शकूर की खातिर हमारे पास बैठा रहा था एक बात बताओ शकूर मैंने मुस्कुराते हुए कहा हम तुम्हारे जिगरी यार हैं हमें सही बात नहीं बताओगे तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे ये तो ठीक बात नहीं कि तुमने ये बात सुनाई है और हम बेगानों की तरह सुनकर चुप रहें यह बता दो कि ये जिन तुम्हारा बुलाया हुआ तो नहीं शकूर के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने सर झुका लिया मुझे पूरी तो थी कि वो मुझे और शहबाज को सच्ची बात बता देगा हमारी दोस्ती ही कुछ ऐसी थी उसने सर उठा लिया मेरी तरफ़ देखा फिर उसने शहबाज को देखा और सर इस तरह ऊपर नीचे आहिस्ता से हिलाया जैसे मेरी बात का इकरार किया हो तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा शकूर ने कहा तुम ठीक समझे हो इसके सिवा कोई और चारा नहीं था मैं दो दोस्तों के कहने पर जामी शाह के पास गया था लेकिन उस वक्त मेरे दिल में यह बात नहीं थी कि मैं और लड़की ये नाटक खेलना चाहते हैं दोस्तों ने बताया था कि जामी शाह को बताऊं कि मैं उस लड़की के साथ शादी करना चाहता हूं। और लड़की तो घर से भाग आने को भी तैयार है और वो कोई ऐसा तावीज़ धागा करे कि लड़की को भगा ले जाने के बजाय इज्जत से शादी हो जाए ये तो मुझे भी कुछ कुछ मालूम था कि जामी शाह के हाथ में कोई गैबी इल्म या ताकत है जामी शाह के साथ कुछ सलाम दुआ थी और वो मुझे और मेरे ख़ानदान को अच्छी तरह जानता था मैंने उसे अपनी मुराद बताई तो उसने कुछ बातें पूछी उसे यह बताया कि लड़की की तो मंगनी हो चुकी है तो वो सोच में पड़ गया कुछ देर बाद उसने कहा कि मंगनी तुड़वाना आसान नहीं एक और तरीका है जिससे मैं तुम्हारा काम करवा सकता हूँ उसने ये तरीका बताया कि हौसला कायम रखे वरना ज़रा सा भी किसी को शक हो गया तो उसके लिए बुरा होगा मुख्तिर बात यह है कि शकूर और लड़की ने जामी शाह की हिदायात के मुताबिक ये ढोंग खुद रचाया था शकूर ने हाथ जोड़कर हमें कहा कि हम यह बात अपने किसी अजीज़ दोस्त को भी ना बताएं हमने उसे यह यकीन दिलाया कि उससे असल हकीकत मालूम करने की वजह सिर्फ ये थी कि हमें पता चल जाए ताकि किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो तो हम तैयार रहें और ये बात किसी और को मालूम नहीं होगी मैं आज ये राज फाश कर रहा हूँ जब शकूर भी इस दुनिया में नहीं वो दोनों ही नहीं बल्कि उस ड्रामे के तमाम अहम किरदार दुनिया से उठ गए हैं हमारे लिए और किसी के लिए भी ये खबर कोई अजूबा नहीं थी कि एक लड़की ने अपने आप पर जिनका कब्जा तारी कर लिया आपने ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी और ऐसे वाक़ात भी सुने होंगे और हो सकता है आपने ऐसी किसी लड़की को इस कैफियत में देखा भी हो हमारे इलाके में ऐसे कुछ वाक़ हुए हैं लेकिन मैं हैरान हूँ कि किसी न किसी स्टेज पर पता चल जाता है कि फ़लां लड़की ने किसी वक्त ये ढोंग रचाया था और उसकी शादी अपनी पसंद के लड़के के साथ हो गई थी इसके बावजूद जब अगला वाकया कहीं होता है तो लोग ज़रा सा भी शक नहीं करते कि यह सब ढोंग है इसकी वजह यह है कि लोग जिन्नात को मानते भी हैं लेकिन ये ज़्यादा मानते हैं कि जिन किसी ना किसी पर काबिज हो जाता है और कुछ दिनों बाद बताता है कि उसने उस आदमी या उस औरत को क्यों कब्ज़े में ले लिया है जन्ात की अक्सर शिकायत यह होती है कि उस आदमी या औरत ने हमारी हांडी में पेशाब कर दिया था या ये कि उसने गुजरते हुए हमारे दो बर्तन तोड़ दिए थे आम तौर पर मशहूर है कि जिन्त परनालों के नीचे रहते हैं मैं अक्सर हैरान हुआ करता हूँ कि उन्होंने परनालों के नीचे रिहाइश क्यों रखी हुई है बरसात में जब परनाले बहते हैं तो फिर ये जिन कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला बहरहाल लोग यही सही मानते हैं कि जिन्नात परनालों के नीचे बसते रहते हैं इसीलिए बड़े बूढ़े छोटों को खसूसा बच्चों को नसीहत किया करते हैं कि किसी परनाले के नीचे पेशाब ना करना ना ही कभी गलाजत फेंकना यह भी सुना था कि बाज़ जन्नात दरख्तों के नीचे रहते हैं इसलिए वहाँ भी गलाजत नहीं फेंकनी चाहिए लेकिन मेरे एक बुज़ुर्ग ने तरदीद करते हुए कहा था कि दरख्तों के नीचे पेशाब करना या किसी भी किस्म की गलाजत फेंकना इसलिए मना है कि दरख्तों के नीचे की जगह साफ़ सुथरी रहनी चाहिए ये जो कभी कभार कोई लड़की अपने ऊपर जिन आने का ढोंग रचाती है मैं इस सिलसिले में कुछ वजाहत ज़रूरी समझता हूँ तीन चार दिन लड़की इस किस्म की एक्टिंग करती है जैसे उस पर जिन आ गया हो जामी शाह जैसे किसी आमिल या शाह जी को बुलाया जाता है जो जिन के साथ मुजाक्रात करता है जिन इतनी जल्दी नहीं बोलता दो तीन दिनों बाद जिन बोल पड़ता है और कहता है कि जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी की जा रही है उसका मैं कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लूँगा अगर उस लड़के की खैरियत चाहते हो तो इसकी बारात इस घर में ना आए लड़के के वालद जब जिनकी ये धमकी सुनते हैं तो वो फौरन मंगनी मनसूख कर देते हैं अपने जवान बेटे का कलेजा मुंह के रास्ते निकलना कोई माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता शायद दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता हो लेकिन मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ इसलिए कहता हूं कि जिन्नात की यह धमकी बहुत ही मशहूर है कि कलेजा मुंह के रास्ते निकाल लूँगा चुड़ैलें भी यही धमकी दिया करती हैं आज तक किसी ने ऐसा आदमी नहीं देखा जिसका कलेजा किसी जिन या चुड़ैल ने मुंह के रास्ते निकाल लिया हो लेकिन लोग पूरे वसूख से कहते हैं कि जिन और चुड़ैलें भी इंसानों के कलेजे मुंह के रास्ते निकाल लेते हैं तकरीबन तमाम आमिल और वो आदमी जो जिन निकाला करते हैं अच्छी तरह जानते हैं कि कोई ना कोई लड़की कभी ना कभी ऐसा ढोंग रचा लिया करती है आमिल जब जाकर लड़की को देखता है तो सबको बाहर निकाल कर लड़की के पास तन्हाई में बैठ जाता है और उसे कहता है कि वो अपने दिल की बात बता दे और वो उसकी मुराद पूरी कर देगा लड़की कुछ पसों पेश के बाद आमिल की यकीन दहानी से दिल की बात बता देती है फिर तो आमिल की मौज ही लग जाती है लड़की के साथ तन्हा कमरे में रहता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है और घर वाले खौफ के मारे आमिल का हर हुक्म मानते हैं और उनमें से कोई अंदर झांकने की जरूरत तक नहीं करता कि ये तो देखे कि आमिल लड़की पर सिर्फ फूँके मार रहा है या कोई ख़ास अमल कर रहा है कौन नहीं समझ सकता कि उस तन्हाई में आमिल ऐसी लड़कियों से किस किस्म की कीमत वसूल कर लिया करते हैं लड़की के वालदे से जो फीस बमाय लेते हैं वो अलग है फिर ये आमिल लड़की को अपनी हिदायतकारी पर एक्टिंग करवाता है और आखिर उसकी मुराद पूरी करवा देता है आमिल की बात को तो शायद लोग टाल जाएं लेकिन जिन के हुक्म को वो टालने की जरूरत नहीं करते उस नाटक में इन वजूहत के बिना पर लड़कियां कामयाब होती हैं कि एक्टिंग ऐसी हो जो घर वालों को खौफ ज़दा कर दे दूसरी वजह यह है कि लोग अपने ईमान की तरह मानते हैं कि उनकी लड़की पर जिन का कब्ज़ा है और फिर कामयाबी का असल जामिन तो आमिल होता है मैं ऐसे दो आमिलों का हमराज दोस्त रह चुका हूँ जो किसी पहलू आमिल नहीं थे ना वो कोई ऐसा इल्म जानते थे लेकिन देहातीलाक़े में उनकी शहरत उनके साथ, साथ चलती थी और लोग उनकी हर बात मानते थे जिन निकालने में तो वो खसूसी महारत रखते थे और उनके साथ मेरी दोस्ती उस वक्त शुरू हुई थी जब मेरी उम्र चालीस बरस के करीब पहुँच गई थी यहां मैं सिर्फ एक वाक्य सुना रहा हूँ इसलिए अपने उन दोस्तों के फाश किए हुए राज नहीं सुनाऊँगा उन्होंने अपनी नौसरबाजी की बड़ी ही दिलचस्प और फिक्र अंगेज बातें सुनाई थी अब दोनों वो फोत हो चुके हैं मैं वादा करता हूं कि आइंदा उन दोनों के किस्से ज़रूर सुनाऊंगा इतनी लंबी चौड़ी वजाहत से मेरा मकसद ये जाहिर या साबित करना है कि यह वाक्य कोई अनोखा या नाकबले यकीन नहीं मुझे यह भी याद है हिकायत में बीस बाईस साल पहले ऐसा ही एक सच्चा वाक़ शाया हुआ था उस कहानी में जगहों और किरदारों के नाम नहीं लिखे गए थे लेकिन मैं ी तौर पर जान गया था कि यह वाक्य मेरे इलाका पोटोहार का था और मैं उन लोगों को जानता भी था असल कहानी से हटकर एक बात कहना चाहूँगा जो जहन में आ गई है एक बार इनायतुल्ला मरहूम ने मुझे कहा था कि बाज़ लोग हैरान हैं कि यह साबिर हुसैन राजपूत इतनी ज़्यादा सच्ची कहानियाँ कहाँ से ले आया बाज़ लोगों को शक है कि यह कहानियाँ मन घड़त भी हो सकती हैं मैं पहले कभी एक कहानी में यह कह चुका हूँ कि मैंने ज़िंदगी चंडाल चौकड़ियों और चारपाइयों पर नहीं गुजारी ना हुक्के की महफिलें जम जमा कर गपबाजी की है ना ताश खेलते वक्त गुजारा है ज़िंदगी ख़तरों में खडों और नालों में पुरिसरार और ड्राउनी जगहों में खोज लगाते गुजरी है हम उन जगहों को भी पहुँचे हैं जहाँ शायद आज भी लोग जाते डरते हैं तरह तरह के लोगों से मुलाकातें होती हैं और ऐसे वाकयात आँखों के सामने से गुजरे हैं जो हर कोई नहीं देख सकता और यही वो वाक्यात हैं जिन्हें घरों और गलियों में उम्र गुजारने वाले नाकबले यकीन समझते हैं दूसरी बात ये कि छोटे बड़े वाकयात इतने ज्यादा अपनी आंखों के सामने हुए हैं कि उनमें से कई एक जहन के कब्रस्तान में दफन हो गए हैं कभी कोई उस दौर का कोई आदमी या औरत सामने आ जाए या जरा सा इशारा मिल जाए तो जहन से यादों के चश्मे फूटने लगते हैं ये जो वाकया सुना रहा हूँ उस पगले आदमी को देख कर याद आया है जिसे खेतों में देखा था और पांच रुपए उसने मुझसे मांगे थे शकूर ने जब हमें असल बात बता दी तो मैंने और बाद में राजा शहबाज़ ख़ान ने भी उसे सख्ती से कहा कि वो लड़की तक किसी तरह पैगाम भिजवाए कि वो एक्टिंग में कोताही ना कर बैठे वरना मारी जाएगी शकूर ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि वो लड़की को देख भी नहीं सकता क्योंकि लड़की हर वक्त घर में रहती है और उस तक वो पैगाम भी नहीं भिजवा सकता उसने बताया जामी शाह चूंकि उस नाटक में शामिल है इसलिए वो लड़की से बड़ी ठीक ठाक एक्टिंग करवा रहा है उसके चार पाँच रोज़ बाद मैं और शहबाज़ ख़ान शकूर के गांव चले गए वो बहुत खुश था उसने बताया कि लड़की का जिन बोल पड़ा है और उसने कहा है कि इस लड़की की मंगनी जिसके साथ की गई है अगर शादी उसके साथ करोगे तो लड़के का कलेजा मुंह के रास्ते निकालकर कोठे पर कव्वों और चीलों के आगे फेंक दूंगा शकूर ने यह भी बताया कि जिन की यह बात लड़की के मंगेतर के घर पहुंची तो उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि वो मंगनी मनसूख करते हैं लड़के के वालदेन और बहन भाइयों को खौफजदा होना ही था खुद लड़का भी इतना डरा कि वो हर किसी से कहता फिर रहा है कि उस लड़की के साथ मंगनी मंसूख हो गई है और उसने लड़की को दिल से उतार दिया है उस लड़के ने जो शकूर का ही हम उम्र था शकूर को भी बताया कि उसने ये फैसला किया है उसे यह तो मालूम ही नहीं था कि शकूर उस लड़की को चाहता है अब चूंकि जिन बोल पड़ा था इसलिए घर वालों को कम से कम इतना सा इतमान हो गया था कि जिनका हुक्म मान लिया गया है इसलिए अब यह उनकी बेटी को छोड़ देगा वो अब हर वक्त लड़की को तंग नहीं करता था जामी शाह दिन का कुछ हिस्सा लड़की के साथ तन्हाई में गुजारता था और रात अपने घर चला जाता था शकूर शाम के बाद चोरी छुपे उसके गांव पहुंच जाता और जामी शाह उसे सब अच्छा की रिपोर्ट देता था अभी आधी कामयाबी हासिल हुई थी यानी मंगनी टूट गई थी अब ने दूसरा हुक्म देना था कि इस लड़की की शादी फलां लड़के के साथ की जाए हमने शकूर से पूछा कि लड़की किस हाल में है और वो एक्टिंग कैसी कर रही है जामी शाह ने उसे ये सारी बात सुनाई थी लड़की की एक्टिंग हर लिहाज से ठीक थी बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ठीक थी वो चारपाई पर उछलती और फर्श पर अपने आप को गिरा देती थी फर्श कच्चा था जिस पर कुछ ना कुछ धूल और मिट्टी रहती थी लड़की फरश पर दो हथड़ मारती और फिर अपने मुंह पर ऐसे ही दो हथड़ मारती और फिर अपने बाल नोचती थी एक तो इस तरह उसका हुलिया बिगड़ा दूसरे इस तरह उसका चेहरा डरावना हुआ कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया था अपने बाल उसने बखेर लिए थे और बालों पर भी मिट्टी पड़ी हुई थी जामी शाह ने शकूर को हंस हंस कर बताया था कि शकूर अगर अब उस लड़की को देखे तो कानों को हाथ लगा कर कहे कि मैं तो इस चुड़ैल के साथ शादी नहीं करूँगा वरना ये मेरा कलेजा भी मुँह के रास्ते निकाल देगी उस रोज़ तो शकूर से उतनी ही रिपोर्ट मिली जो आपको सुनाई है चार पाँच दिन और गुज़र गए तो शकूर हमारे यहाँ आया उस रोज़ तो वो बहुत ही खुश था उसने बताया कि कल जिन ने कहा है कि मुझे इस लड़की के साथ इश्क हो गया है इसलिए मैं इसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा चूँकि ये मेरी महबूबा है इसलिए इसकी शादी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगी मैंने इसके लिए जो लड़का चुना है वो ही उसके लिए और दोनों घरों के लिए बाबरकत साबित होगा शकूर ने बताया कि अभी लड़की के मुंह से उसका नाम नहीं निकला जिन ने कहा कि वो एक दो दिनों बाद नाम बताएगा लड़की के माँ बाप ने जिन से कहा है कि वो जो लड़का बताएगा बेटी की शादी वो उसी के साथ करेंगे बाप ने जिनके आगे हाथ जोड़ कर कहा कि वो किसी नीच का लड़का ना बता दे क्योंकि गांव में और सारी बरदरी में बड़ी बेइज्जती होगी जिन ने कहा कि वो अपनी महबूबा को ऊंचे खानदान में ब्याएगा अब तो हमें भी यकीन आने लगा था कि शकूर की मुराद पूरी हो जाएगी हम अब अगली खबर सुनने को बेताब हो गए तीन चार रोज बड़ी मुश्किल से सब्र किया उम्मीद थी कि शकूर अपनी घोड़ी पर सवार किसी भी वक्त आ पहुंचेगा और बादशाह खिलाए खुशखबरी सुनाएगा लेकिन वो ना आया तो हम दोनों अपनी घोड़ियों पर सवार हुए और उसके हाथ जा पहुंचे जो जोश और शिद्दत से वो हमसे बगल गिर होकर मिला हम उससे समझ गए कि उसने मैदान मार लिया है हो गया फैसला हो गया उसने कहा बात तय हो गई है अब शादी का दिन मुकर्र होना है जो बड़े करेंगे शकूर ने बताया कि तीन रोज़ पहले जिन ने कहा कि इस गांव में शकूर नाम का एक लड़का है जो मुझे बहुत ही पसंद है इस लड़की को मैं उसके साथ ब्याहूंगा अगर शकूर के माँ बाप ऱामंद ना हुए और किसी और लड़की को ब्याह लाए तो वो लड़की उस घर में आबाद नहीं हो सकेगी और शकूर को भी कुछ नुकसान पहुंचेगा हो सकता है कि उसकी एक आंख या एक बाज़ू या एक टांग ज़ाया हो जाए और जिसके साथ उसकी शादी होगी वो लड़की बहुत ही खज्जल ख़राब होगी उसकी सारी उम्र दर बदर ठोकरें खाते गुजरेगी ये बात शकूर के वालदेन तक पहुंची तो वो परेशान हो गए ये तो किसी को भी मालूम नहीं था कि शकूर और ये लड़की एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं यह भी किसी को शक ना हुआ कि कोई जिन नहीं आता और लड़की खुद ही जिन और चुड़ैल बनी हुई है और ये सब ढोंग है लड़की के वालदेन ने जिन के साथ वादा किया कि वो अपनी लड़की का हाथ शकूर को ही देंगे लेकिन लड़की के वालदे के लिए यह मामला खासा टेढ़ा था कि वो शकूर के घर जाकर लड़की पेश नहीं कर सकते थे क्योंकि यह तरीका देहात में नहीं चलता और बहुत ही मायूब समझा जाता है जामी शाह के साथ बात हुई तो उसने कहा कि ये मामला वो खुद तय करेगा जामी शाह शकूर के बाप से मिला और उसे जिन का फैसला सुनाया और खूब डराया कि वो फौरन इस फैसले पर अमल करें क्योंकि ये जिन तबीयत का बड़ा ही सख्त है और वो ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि सब पछताएँगे जामी शाह के मतलब ये पहले ही मशहूर था कि उसके कब्जे में जिन्नात हैं और उसके हाथ में गैबी ताकत भी है उसने शकूर के बाप से कहा कि वो लोग लड़की देने को तैयार हैं और अब वो लड़की के हाँ जाए और ये मामला फ़ौर निमटा दिया जाए जामी शाह ने यह भी कहा कि उसने बड़ी ही मुश्किल से जिनकी जबान खुलवाई है वह तो लड़की को छोड़ ही नहीं रहा था जामी शाह ने यह भी कहा के देर ना करें कहीं ऐसा ना हो कि शकूर पर जिन वार कर जाए शकूर ने सुनाया कि उसने खौफ जदगी की एक्टिंग इस तरह की कि अपने माँ बाप और घर के दीगर अफराद में बैठ कर खौफ से थर थर कांपने लगा और कहा कि उसके दिल को कुछ हो रहा है और फौरन लड़की के घर जाएं। शकूर के माँ बाप के तो रंग ही उड़ गए और वो उसी वक्त लड़की वालों के घर चले गए लड़की वालों ने दिलो जान से उनका इस्तकबाल किया और जिन और जामी शाह के जरिए बात तय हो गई और फिर जो रस्म करनी चाहिए थी वो भी हो गई और अब शादी का दिन मुकर्र करना था जिन आखिरी बार हाजिर हुआ लड़की ने अपना जिसम अकड़ा लिया और फौरन एक घोड़ा जामी शाह की तरफ भेजा गया जामी शाह आ गया और उसने जिन को खूब डांट पिलाई और कहा कि तुम्हारी दोनों बातें मान ली गई हैं जिन ने कहा कि मैं दुआए खैर के लिए आया हूँ लड़की उठकर बैठ गई और हाथ दुआ के लिए खड़े किए घर के सब लोगों ने भी दुआ के लिए हाथ उठाए लड़की अनपढ़ थी उसे यह जामी शाह ने बताया था कि उसने इस तरह करना है और ये आखिरी एक्टिंग होगी जामी शाह ने चारों कुल पड़े और बुलंद आवाज़ से दुआ की कि अल्लाह लड़के को हमेशा आबाद रखे वगैरह वगैरह लड़की ने अपने जिसम को अकड़ाया और फिर कलमा शरीफ पढ़ा और चारपाई से उठ खड़ी हुई लड़की के वाले ने शकूर के वालदे से कहा कि लड़की की सेहत बहुत ही गिर चुकी है और ये कमज़ोर हो गई है इसे वापस अपनी सेहत में आने दें और फिर दिन मुकर कर लें हम वापस आ गए आठ दस दिन गुजरे तो एक रोज़ शकूर आया और हमें शादी की दावत देकर चला गया इन तफसी में आपके लिए कोई दिलचस्पी नहीं कि शादी किस तरह हुई और उस शादी पर कैसी धूमधाम थी इतना ही सुना देना काफ़ी है कि उस लड़की की शादी शकूर के साथ हो गई दो तीन दिन बाद मैंने शकूर और उसकी बीवी को अपने हाँ खाने पर मदू किया वो पर्दा नहीं करती थी ना हमारे देहात में बुरके और पर्दे का रिवाज था मैंने पहली बार लड़की को देखा और अल्लाह की कुदरत की तारीफ़ की जिसने उस लड़की को ऐसा हुस्न दिया था वो हर लिहाज से खूबसूरत थी उसके दो रोज़ बाद राजा शहबाज़ ख़ान ने दोनों को अपने यहाँ खाने पर मधु किया उसके कुछ दिन बाद शकूर ने हमारे यहाँ आकर कहा कि अब शिकार पर चलते हैं हमने दिन मुकर्र कर लिया और उस दिन हम सुबह सवेरे निकले और शकूर के गांव पहुंचे वो अपने भेड़िए नुमा कुत्ते के साथ तैयार था और हम शिकार के लिए चले गए हम खुश थे शकूर खुश था और उसकी बीवी तो बहुत ही खुश थी कि एक ड्रामा बड़े अच्छे अंजाम को पहुंच गया है लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म ना हुई अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था शकूर के साथ हमारी मुलाकातें कम होने लगीं हमने भी उसके गांव जाना ख़ासा कम कर दिया क्योंकि वो अब अपनी बीवी में मगन हो गया था और अब हम उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा मख़ल नहीं होना चाहते थे दो तीन महीनों बाद वो आया और उसने ये खुशखबरी सुनाई कि वो बाप बनने वाला है लेकिन छः सात महीने इंतज़ार करना होगा एक बार हम फिर शिकार को भी गए मैं शकूर को दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश और मुतमईन आदमी समझने लगा था उसके बाद शकूर के साथ हमारी मुलाकात चार महीनों के बाद हुई वो इस तरह हुई कि एक रोज़ शहबाज़ ख़ान ने कहा कि चलो अपने यार को ही देखाएँ हम घोड़ियों पर सवार हुए और उसके गांव जा पहुंचे लेकिन उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी देखकर हम भी परेशान हो गए वो तो हमें बाजुओं में लेकर मिला करता था और मिलता भी ऐसा जैसे भींच कर हमारी पसलियां तोड़ने की कोशिश कर रहा हो लेकिन उस रोज़ उसने ऐसी बददिली से सिर्फ हाथ मिलाया जैसे हमें देख कर जरा सा भी खुश ना हुआ हो उसका मूड ही बिगड़ गया हो उसने हमें बिठाया और सर झुका कर बैठ गया तब मैंने उससे पूछा खैरियत तो है उसने सर उठाया तो मैं उसकी आंखों में आंसू देख कर लरस गया ये तो हंसने हंसाने वाला आदमी था और उसकी वो मुराद पूरी हो गई थी जिसके पूरा होने की जरा सी भी तवक्को नहीं थी समझ नहीं आती क्या करूं किधर जाऊं शकूर ने बड़ी ही दबी और बुझी हुई आवाज में कहा ऐसी बात हो गई है जो अब बनती नजर नहीं आती गैरत का मामला है मेरी बीवी ने पहला बच्चा पैदा कर दिया है और शादी को अभी आठ महीने भी पूरे नहीं हुए साफ जाहिर है कि यह मेरा बच्चा नहीं उसने जो तफसील सुनाई वो इस तरह है कि शादी के आठवें महीने ही उसकी बीवी ने पहले बच्चे को जन्म दिया इसमें किसी शको शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि यह बच्चा शकूर का नहीं था और शादी से पहले उसकी बीवी ने किसी और के साथ ताल्लुक पैदा कर लिए होंगे शकूर कसमें खा खा कर बताता था कि उसकी मोहब्बत पाक थी और उसने अल्लाह से दुआ की और अहद किया था कि शादी इसी लड़की के साथ करेगा बच्चा पैदा हुआ तो शकूर का सारा घर लरस कर रह गया शकूर के माँ बाप और बहन भाइयों ने उसे साफ कह दिया कि यह बच्चा उसका नहीं और लड़की ये बच्चा अपने साथ लाई थी हमारे देहात में नई तहजीब बाहर का पैसा टी वी और वी सी आर पहुँच गए हैं इसलिए अब गैरतमंदी तो है लेकिन वैसी नहीं जैसी हमारे वक्तों में हुआ करती थी उस वक्त तो ज़रा से शक पर कुल्हाड़ियाँ और लाठियाँ चल जाती कुछ जख्मी होते और एक आध बंदा कत्ल हो जाता था इस तरह जब शकूर के सामने गैरत आई तो वो अपनी मोहब्बत को भूल गया वो तन्हाई में बीवी के पास बैठा और उसे कहा कि अब सिवाय तलाक के कोई और रास्ता नहीं लेकिन वो ये बता दे कि यह बच्चा किसका है उसकी बीवी ने ज़रा सी भी पसो पेश ना की और फौरन बता दिया कि यह बच्चा जामी शाह का है यह कोई हैरतनाक बात नहीं थी आज भी पीर शाह और आमिल उन औरतों से यही कीमत वसूल करते हैं जो उनके पास अपनी मुरादें और मसाइल लेकर जाती हैं मैं पहले सुना चुका हूं कि जामी शाह लड़की को बंद कमरे में अपने साथ तनहा रखता था और लड़की के बुजुर्ग और लवाकिन खुश थे कि जामी शाह जिन को काबू कर रहा है लड़की उस आदमी को अच्छा नहीं समझती थी जिसके साथ उसकी मंगनी हुई थी और वो शकूर को रूहानी तौर पर चाहती थी जामी शाह उसके ड्रामे का हिदायतकार था और उसकी मौजूदगी में उसकी कोशिश से ड्रामा कामयाब हो रहा था जामी शाह ने जब लड़की से ये मुतालबा किया कि वो उसकी इज्जत और इस्मत चाहता है तो लड़की ने इनकार ना किया जामी शाह जितने दिन लड़की के साथ रहा वो ये खेल खेलता रहा और फिर उसके उस ड्रामे को बड़े कामयाब अंजाम तक पहुंचा दिया जामी शाह की तो ऐश मौज लग गई थी उसने लड़की के वालदे से भी और शकूर से भी नकद मुआवजा अलग लिया और नए कपड़े अलग लिए और लड़की से जो मुआवजा वसूल किया वो किसी को मालूम ही नहीं था लेकिन अल्लाह की ऐत बारी देख रही थी जिसने ये गुनाह सब को दिखा दिया लड़की ने शकूर को साफ अल्फाज में असल बात बता दी शकूर ने हमें बताया कि लड़का पैदा हुए तकरीबन दो महीने गुजर गए हैं और लड़की को उसके वालदन के पास भेज दिया गया है लड़की के वालदेन और दीगर लवाकिन भी परेशान थे कि यह हुआ क्या और कैसे हुआ वो तो बात करने के काबिल नहीं रहे थे उधर शकूर लड़की को यूं अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था लेकिन उसे अपनी और अपने ख़ानदान की गैरत ज़्यादा अजीज़ थी और होनी भी चाहिए थी उसे बाप ने कहा कि यह बच्चा अगर शादी से पहले का तुम्हारा है तो और बात है अगर नहीं तो इस लड़की को चलता करो शकूर ने बाप की बात मान ली और लड़की को हमेशा के लिए रुख्सत कर दिया अभी तलाक नहीं दी थी ये ऐसी सूरत हाल थी कि हम उसे कोई मशवरा नहीं दे रहे थे ना उसने हमसे पूछा कि इस सूरत हाल से वो किस तरह निकल सकता है कि बीवी को पास रख सके वो सोच समझ कर फैसला कर चुका था अलबत् उसने ये कहा कि वो जामी शाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा और अपनी बेजती का इंतकाम लेगा ये ऐसी बात थी कि हमने शकूर को समझाना शुरू कर दिया कि अपने आप को इस तबाही में ना डाले हमने कहा कि उसने जामी शाह को कत्ल कर दिया और किया भी ऐसे कि शकूर पर कत्ल का शक ना हो तो भी पुलिस कड़ियाँ मिलाकर उसे पकड़ लेगी उस वक्त की पुलिस आज की पुलिस जैसी नहीं थी थानेदार ज़मीन की ताहों के नीचे से सुराख निकाल लिया करते थे लेकिन शकूर बड़ा ही पक्का इरादा कर चुका था कि वो जामी शाह से इंतकाम लेगा और उसे फांसी की सजा मिल गई तो भी उसे खुशी होगी उस रोज़ हम शकूर के घर यूं बैठे रहे जैसे ख़त्म वाले घर लोग बैठते हैं शकूर पर बहुत बुरी बन गई थी उसने कहा कि उसकी बीवी मर जाती तो वो इतना मगमूम ना होता मगमूम तो वो ज़रूर ही होता लेकिन उस गम में ज़िल्लत ना होती इंतकाम का ये जज्बा ना होता जो शकूर को पागल किए जा रहा था मैं और शहबाज उसे समझाते रहे कि वो अपनी ज़िंदगी तबाह ना करे वो तो अभी जवानी की आगाज़ की उम्र में था लेकिन वो कहता था लानत है इस ज़िंदगी पर जो बेग़ैरती में गुजर जाए उसने हमारी सिर्फ ये बात मानी कि वो ऐसे तरीके से कत्ल करेगा कि उस पर किसी को ज़रा सा भी शक नहीं होगा बल्कि वो कोशिश ये करेगा कि कत्ल का तरीक़ा ऐसा इख्तियार करे कि यह भी शक ना हो कि जामी शाह को कत्ल किया गया है हम उसे कोई महफूज तरीक़ा ना बता सके और बताना चाहते भी नहीं थे हम शकूर जैसे अजीज दोस्त को तनहा नहीं छोड़ना चाहते थे लेकिन ये तो मुमकिन ही नहीं था कि हम उसके साथ ही रहते दोपहर के वक्त हम वापस आ गए मैं और राजा शहबाज़ ख़ान पहले ही उन पीरों को और जामी शाह जैसे आमिलों और जिन्नात को कब्जे में रखने और निकालने का दावा करने वालों को मानते ही नहीं थे और इसीलिए हम दोनों बे पीरे मशहूर थे हम दोनों इस किस्म की बातें करते वापस आए कि लोगों को किस तरह बताएं और दिखाएं कि वो देखो एक शाह ने एक घर उजाड़ दिया है और एक मियाँ बीवी की मोहब्बत को अपनी ख़बासत की तलवार से काट कर दोनों हिस्से अलग अलग फेंक दिए हैं लेकिन हम ऐसी बात मुंह से निकाल कर लोगों से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकते थे मैंने पहले कहा है कि लोग अल्लाह के हुक्म की अदूली कर लेते हैं जामी शाह जैसे आमिलों और पीरों का हुक्म बसरो चश्म मानते हैं यहाँ तक कि अपनी कुंवारी बेटियों और जवान बीवियों को उनके हुक्म से उनके पास तन भेज देते हैं बल्कि ख़ुद उनके पास छोड़ कर आते हैं ये गैर इस्लामी सिलसिला जिस तरह उस दौर में चलता था आज भी वैसा ही चल रहा है देहात में ही नहीं शहरों में भी ये इबलीसियत फल फूल रही है और लोगों ने अपनी आंखों पर खुद फरेबी की पट्टी बांध रखी है चार पांच महीने गुजर गए शकूर से मुलाकात ना हो सकी ना वो आया ना हम गए उसके यहाँ जाने की कई बार सोची लेकिन ये सोचकर चुप रहे कि वहां जाकर करेंगे क्या शकूर की कोई मदद तो हम कर ही नहीं सकते सिवाय इसके कि कोई नसीहत करेंगे लेकिन वो बुरा मनाएगा एक रोज़ एक आदमी हमारे गांव में यह खबर सुना गया कि वो जो आमिल और जिन निकालने वाला जामी शाह था वो मारा गया है हमारे गांव में कुछ ऐसे आदमी थे जो उसकी करामात को और गैबी ताकत को मानते थे उन्होंने उस आदमी से पूरी बात सुनी थी उन्होंने हमें सुनाई जो इस तरह थी कि जामि शाह अपनी घोड़ी पर कहीं जा रहा था वो एक वाने से गुजर रहा था मालूम नहीं कैसे उसकी घोड़ी बिदक गई और बेलगाम होकर भाग उठी जामी शाह घोड़ी से गिरा उसका पांव रकाब में आगे सिरक गया और रकाब में फंस गया घोड़ी उसे घसीटती फिरी और जर्नैली सड़क तक पहुंच गई लोगों ने देख लिया और घोड़ी को घेर कर रोका जामी शाह खून में नहाया हुआ था और मर गया था लोग उसे पहचानते थे उन्होंने उसकी लाश और घोड़ी उसके घर पहुंचा दी ये पता नहीं चला कि घोड़ी कहाँ और किस तरह बिद थी इतना कहा जा सकता था कि जामी शाह की लाश की जो हालत थी वो बताती थी कि घोड़ी उसे बहुत दूर से घसीटती ला रही थी ये खबर सुनकर मुझे और मेरे दोस्त राजा शहबाज़ खान को बहुत ही खुशी हुई कि चलो एक इबलीस को तो अल्लाह ने पकड़ा इससे ज्यादा संगीन सजा और क्या हो सकती थी वो बड़ी ही अजियतनाक मौत मरा था हम अगले रोज सुबह सवेरे शकूर के गाँव को रवाना हो गए हम उसे मुबारकबाद देना चाहते थे कि जो काम वो करना चाहता था वो अल्लाह ने कर दिया और वो यानी शकूर उम्र कैद या सजाए मौत से बच गया है